गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का सेकेंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटिटीज। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ये वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसे हम लोग बेस क्वांटिटीज के भी नाम से जानते हैं, बेस क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द नेचर, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द नेचर। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नोट डाउन कीजिए, वैसे क्वांटिटीज जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज से डिपेंड नहीं करती है उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इसे हम लोग बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। टोटल नेचर में सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, list of fundamental quantities। name of fundamental quantities, second हमारा its symbol। first है हमारा length, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा x से, और हम कह सकते हैं और l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। second है हमारा mass, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m से। थर्ड है टाइम, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा t से। फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से, किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से। फिर हमारा नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, अध्ययन उसके बाद क्या है, इट्स सिंबल। तो फोर्थ तक तो हो गया था इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है हमारा टेम्परेचर, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा टी से। सिक्स नंबर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से। सेवन नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लिस्ट ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसे नोट डाउन कीजिए।
सर अब हमें पढ़ना सेकेंड टाइप ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, सम क्वांटिटीज के डेफिनेशन जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर जैसा हम लोग इस बारे में हमें पढ़ना है सम डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सम डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में ये यू क्या है, हम लोग डिस्टेंस नल करके सबसे पहले लिखते हैं किसके बारे में, लेंथ के बारे में। लेंथ एक तरह का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। फर्स्ट एक होगा हमारा स्केलर, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सेकेंड होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा कैसा होगा सेंस, वेक्टर होगा, यानी वेक्टर, यानी सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एक लेंथ हमारा दो जगह होगा, एक स्केलर और दूसरा क्या होगा, वेक्टर। वेक्टर जिनके पास वो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड क्या हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं लेंथ के दो पार्ट, जैसे एक होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स से। और वेक्टर लेंथ यानी वेक्टर जो कि हमारे एग्जाम्पल में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और इसे इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स, ऊपर भी क्या लगेगा एक एरो, यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा। ओके स्टूडेंट्स अब से नोट डाउन कीजिए, यानी लेंथ हमें दो तरह के पढ़ना है, एक स्केलर लेंथ और दूसरा क्या है, वेक्टर। स्केलर में हम लोग जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसके एग्जांपल क्या होगा, डिस्टेंस, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स से। जबकि वेक्टर यानी लेंथ में हमारा सेकंड पार्ट वेक्टर जो क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, जैसे एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स, उसके ऊपर एरो लगा। ओके फ्रेंड्स अब इसे नोट डाउन कीजिए, कोई पार्टिकल ए से चलकर कहां पहुंचता है, बी, यानी ए से चलकर कहां पहुंचता है, बी पॉइंट। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, तो एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी इस पाथ से यानी यहां से यहां तक जो हमारा टोटल डिस्टेंस, यानी इस कर्व से होता हुआ जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी तक, उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ। सेकेंड होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी ए को किससे मिला दो, बी से, यानी ए को बी से मिला दे, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है किसी स्ट्रेट लाइन से, किसे स्ट्रेट लाइन से, यानी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन से। अगर हम लोग ए को मिला दे किसे, बी से, यानी अगर दोनों ही पॉइंट्स को यानी दोनों ही एंड्स पॉइंट को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला दे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा यानी स्ट्रेट लाइन होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ
बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स एंड ऊपर में क्या है एफ। स्टूडेंट्स लेंथ हमारे कितने तरह होंगे, दो तरह के, एक स्केलर लेंथ एंड सेकेंड होगा वेक्टर लेंथ। स्केलर लेंथ के अंदर हमारा जाएगा डिस्टेंस एंड वेक्टर लेंथ के अंदर क्या है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके अब से नोट डाउन कीजिए, सेकेंड पार्ट फॉलो करते हैं। सेकेंड पार्ट से पहले एक नोट लिखते हैं, नोट हमें लिखना होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या लिखना है फ्रेंड्स, चेंज ऑफ क्वांटिटी की। अगर हमें लिखना हो चेंज ऑफ क्वांटिटी की हो तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू। अब क्या लिखना है हमें चेंज ऑफ कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो हमें इसे लिखना पड़ेगा डेल्टा क्यू से। चेंज का मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल क्वांटिटीज माइनस इनिशियल क्वांटिटीज। तो किसी भी चेंज को अगर हमें लिखना हो, चेंज ऑफ सम क्वांटिटीज लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है फ्रेंड्स, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, यानी फाइनल क्वांटिटीज माइनस इनिशियल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करेगा चेंज ऑफ क्वांटिटीज को। ओके यहां पर नोट डाउन कीजिए, सेकेंड नंबर पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कोई पार्टिकल हमें ए से स्कल पाथ पे होते हुए कहा जा रहा है बी पॉइंट, ए से होते हुए कहा जा रहा है बी पॉइंट। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ कवरिंग द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्पीड, यानी रेट ऑफ कवरिंग ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या फ्रेंड्स, रेट ऑफ rate of covering actual path length और actual path length को क्या बोला गया था, डिस्टेंस बोला गया था। रेट ऑफ कवरिंग एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड स्पीड। स्टूडेंट्स स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेटर वी से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर वी से। उसी तरह स्टूडेंट्स सपोज के लिए दो पॉइंट है ए एंड बी, दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को किस रेट से कवर किया गया है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेलोसिटी को, यानी रेट ऑफ कवरिंग शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जिसको हम लोग बोला गया डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वी एंड ऊपर में क्या लगा था एरो लगा था, वी एंड ऊपर में एरो लगा था। ओके स्टूडेंट्स अब से नोट डाउन कीजिए,
ये लिखा हुआ है रेट ऑफ कवरिंग एक्चुअल पाथ लेंथ या जिसे बोला गया डिस्टेंस। तो रेट का स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड स्पीड, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम को क्या बोला गया? स्पीड बोला गया। चेंज को अभी अभी हमने पढ़ा था, चेंज को लिखा जा सकता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसे बोला जाएगा स्पीड। क्या बोला जाएगा? स्पीड बोला जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ कवरिंग शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इसे बोला गया वेलोसिटी। ऐसे लिखा गया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल लिखना पड़ेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिए। चेंज को लिखा जाता है डेल्टा एक्स से, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस डेल्टा एक्स से, और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाएगा डेल्टा एक्स, और ऊपर में क्या लगेगा? एरो। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कैसा होता है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे? वेलोसिटी पे, इसलिए कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ए के ऊपर एरो लगा के। चूंकि इसे लिखा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट को लिखा जाता है डेल्टा समथिंग बाई टी, तो लिखा जाएगा डेल्टा वेलोसिटी यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चूंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, इस पे क्या रहेगा? एरो। ऐसे लिखा गया एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी मतलब चेंज, चेंज किसका? वेलोसिटी। तो लिखा जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या लिखा जाएगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब से नोट डाउन कीजिए। फोर्थ नंबर मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, इज कॉल्ड मोमेंटम। ये कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्स पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा लेटर पी से। ऐसे लिखा गया पी इक्वल टू एम इंटू वी, क्योंकि ये वेक्टर है, इसलिए वी के ऊपर क्या रख दिया? वेक्टर। और एम कैसा है? स्केलर, इसलिए एम को सिंपल अल्फाबेट से लिखा गया। और रिप्रेजेंटेशन में दिखा गया था कि मास को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। तो मोमेंटम हो गया कितना स्टूडेंट्स? पी इक्वल टू एम इंटू वी। आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिफ्थ नंबर फोर्स। फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स होता है जैसे कि आप लोग क्लास नाइन्थ में डेफिनेशन पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is called force. Is called force. Rate of change of momentum is called force. So ये depend करता है किस पे momentum है. So force is also a vector quantity. ऐसे represent किया जाएगा F and ऊपर में क्या arrow लगा के. इसे लिखा जाएगा क्योंकि ये है rate. अब rate को लिखा जाता है something by time. और something क्या? तो something है change of temperature, change of momentum. इसे लिखा जाएगा delta P by delta T. यानी change of momentum by change of time. यानी change of momentum by change of time. अब change को लिखा जाता है strength कैसे? Final minus initial से. इसे लिखा जाएगा P final minus P initial divided by T final minus T initial. Okay friends, अब से note down कीजिए. Sixth number, impulse. Impulse क्या होता है students? It is a product of force and time. Force and time के product को क्या बोला जाता है students? Impulse बोला जाता है. So ये depend करता है force पे. इसलिए एक ऐसा quantity हो गया, ये हो गया vector quantity. इसे represent किया जाएगा I और उसके ऊपर एक एरो लगा एंड इंपल्स को लिखा जा सकता है इंपल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. फोर्स इनटू टाइम को क्या हो जाएगा? इंपल्स हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए. सेवेंथ नंबर बोला जाता है वर्क. वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? हमने देखा होगा वर्क होता है, वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है W से. वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. एट नंबर एनर्जी. स्टूडेंट्स, एनर्जी होते हैं दो तरह के. आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे एनर्जी होते हैं दो तरह. एक होता है काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड होता है पोटेंशियल एनर्जी. फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वी मतलब स्पीड. आप लोग क्लास 9 में ये डेफिनेशन जरूर पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ाऊंगा. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम लोग क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है. आसान साथ ड्यू टू क्या लगा हुआ है? ड्यू टू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है. यानी अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है उसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, यानी चूंकि ये रेट ऑफ वेलोसिटी है जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए जी भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया. जी का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे अप्रोक्स लिखा जा सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि अर्थ के द्वारा किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चूंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ये एक्सप्रेशन के ही बराबर होता है, ये इसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। सपोज के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से कितने हाइट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, देन वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक एनर्जी एक्वायर करता है, स्टोर करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस से कितने हाइट पे रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा यू इक्वल टू एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच फॉर हाइट। एच फॉर हाइट, एस फॉर क्या होगा, हाइट होगा, यानी एम का मतलब हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच का मतलब हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। नाइन्थ नंबर हुआ पावर, यह होता है रेट ऑफ एनर्जी, यानी रेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, यानी पावर को लिखा गया फिर से यह होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। ओके, अब से नोट नोट डाउन कीजिए, यानी रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। 10 नंबर प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। 11 नंबर आया हमारा क्या, एरिया, एरिया होता है सम, एरिया होता है इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, एरिया ऑफ अगर स्क्वायर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर रिप्रेजेंट करेगा किसको, साइड को, आर रिप्रेजेंट करेगा किसको स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल को, आर रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ द सर्कल को। ओके, ये होता है हमारा एरिया। 12 नंबर हो गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाएगा वी से। सपोज किया जाएगा हमें कोई पूछता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड क्यूब यानी ए क्यूब। अब कोई क्वेश्चन बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा एल बी इंटू एच यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब कोई क्वेश्चन बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर रिप्रेजेंट करेगा सिलेंडर के रेडियस को एंड एच रिप्रेजेंट करेगा किसको, हाइट ऑफ द सिलेंडर को। और कोई क्वेश्चन बताओ रेडियस ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, तो लिखा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब कोई मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कितना लिखा जाएगा पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। लास्ट नंबर देखते हैं 13 नंबर डेंसिटी, डेंसिटी होता है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, और डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, अब से नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने 30 बेसिक और सम डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स,
फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एंड देन अब हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटी जो डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एंड डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी वैसा क्वांटिटीज जो डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ओके स्टूडेंट्स तो ऐसे क्वांटिटीज को बोला जाता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज ये फिजिकल क्वांटिटीज अदर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पे भी डिपेंड कर सकता है और अदर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज यानी वैसा क्वांटिटीज जो डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे और किसी अन्य ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पे उसे बोला जाता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे स्पीड के बारे में स्पीड को लिखा गया था स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स स्केलर लेंथ होता है क्या होता है स्केलर लेंथ तो डिस्टेंस को लिखा जा सकता है लेंथ और डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स टाइम हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्पीड किन पे डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और साथ ही साथ किस पे टाइम पे और लेंथ क्या हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और टाइम एक ऐसा क्वांटिटी हुआ फंडामेंटल इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि स्पीड जो है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है पहला लेंथ और सेकेंड क्या है टाइम तो ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसे क्या कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटी बोला जाता है क्या बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटी बोला जाता है इसका मतलब स्पीड क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हुआ इसी तरह से हमारा वेलोसिटी इसी तरह से हमारा एक्सेलरेशन इसी तरह से हमारा मोमेंटम इसी तरीके से हमारा फोर्स ये सबके सब क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या टोटल कितनी थी 7 थी जबकि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है कितना होती है बहुत ही ज्यादा होती है तो इन सारे चीज को नाम को लिखना जरूरी नहीं है आप दो चार नाम को याद रखें धीरे धीरे हम लोग ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक एक करके पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में ओके सर अब से नोट डाउन कीजिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज रखा गया था टू मेजर इसका कैटेगरी बनाया गया था टू मेजर एंगल यानी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग इसको किसको बनाया थे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को यानी ये एंगल जो था वो ना तो हमारा फंडामेंटल के अंदर रहता है और ना ही किसके अंदर आया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आया है इसलिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखें यानी टू मेजर एंगल हम लोगों ने क्या डिफाइन किया एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया स्टूडेंट्स ये जो एंगल होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा क्या होता है सॉलिड एंगल एक होता है प्लेन एंगल और सेकेंड होता है क्या सॉलिड एंगल प्लेन एंगल क्या होता है टू डायमेंशनल होता है टू डायमेंशनल एंगल को
टू डायमेंशनल एंगल को प्लेट एंगल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स एल वन एंड एल टू इज कॉल्ड प्लेट एंगल. यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लेट एंगल का एग्जाम्पल. यानी दो लाइन के बीच का एंगल अगर मेजर करना हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल बन जाएगा. इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा थीटा से, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा थीटा से. सेकेंड है हमारा सॉलिड एंगल. फॉर एग्जांपल ये हमारा स्फीयर, क्या है फ्रेंड्स, स्फीयर. ये हमारा स्फीयर का क्या है, सेंटर. और हमने ये लाइन लिया और ये हमने एक कट किया. जैसे ही हमारा कट हो गया एक पोर्शन जो बाहर निकलेगा वो पोर्शन हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, कोन बनेगा. क्या बनेगा, कोन. ये जो हमारा कट पोर्शन है ये कट पोर्शन क्या है फ्रेंड्स, कोन है. क्या है, कोन. कोन कैसा फिगर होता है फ्रेंड्स, कोन होता है थ्री डायमेंशनल फिगर. तो थ्री डायमेंशनल फिगर में ये जो हमारा एंगल बना है इस एंगल को मेजर करना हो तो हम लोग किसकी हेल्प से मेजर करेंगे फ्रेंड्स, सॉलिड. यानी ये कौन हमारा क्या जाएगा, सॉलिड एंगल. यानी थ्री डायमेंशनल एंगल को क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल बोला जाएगा. सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर ओमेगा से. क्या बोला जाता है इसको फ्रेंड्स, ओमेगा. इसको बोला जाता है थीटा, इसको बोला जाता है ओमेगा. ओमेगा थीटा रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल एंगल को एंड ओमेगा रिप्रेजेंट करता है प्लेन एंगल को. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को कवर किया. पहला टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. पहला था स्केलर एंड सेकेंड क्या था, बैक. सेकेंड हम लोगों ने कैटेगरी देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. यानी डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में. फर्स्ट था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसे बेस क्वांटिटी भी बोला गया. सेकेंड है हमारा ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज एंड थर्ड है हमारा क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही है. हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट एंड डायमेंशन के लिए हमें जितने भी बेसिक डेफिनेशन लिखा गया था वो डेफिनेशन हमें एक्चुअल में याद करना है, उसे मेमोराइज करना है. उन्हीं के बेसिस पे हम लोग यूनिट निकालना एंड डायमेंशन निकालना सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये हम लोग आगे आने वाले फिजिक्स के हर एक चैप्टर में सीखेंगे. इसे पूर्ण तरीके से जहां सीख लिया जाए वो जरूरी नहीं है. ये हमें आगे आने वाले सारे चैप्टर में हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना हो डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आने चाहिए. बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को उसी चैप्टर में पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना हो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक टर्म है जो हमें आएगा किसके अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन स्टूडेंट्स हम लोग कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड एंड डायमेंशन के, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उसके यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स एंड डायमेंशन को हम लोग पढ़ेंगे. तो जो टर्म जहां होगा उसे हम लोग वही पढ़ेंगे, बट इसके एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.